हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको ऐसी हैरान करने वाली बातें बताऊंगा, और ये पत्थर आप देख रहे हैं साइड में, इसका मैं रहस्य बताऊंगा आपको। तो आप सुनकर चौंक जाओगे इस बात को कि ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, ये गाँव है अलवर के पास, चांदौली गाँव है, और ये हकीकत बात है, क्योंकि ये जो पुराने टाइम होते थे, प्राचीन काल, उस टाइम की बात है। तो ये पत्थर जो है, दोनों पत्थर, वो दोनों जो है पुराने टाइम की लेडीज थी, और बीच में एक बच्चा है। तो इसका क्या कुछ और भी सब कुछ दिखाऊंगा आपको, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये व्लॉग होने वाला है आपके लिए। तो इसको पूरा जो एरिया है वो सब कुछ आपको मैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं वे दो पत्थर ने, ये लेडीज है दोनों, और इनके जो बीच में है वो इनका बच्चा माना जाता है, क्योंकि पहले जो टाइम था उन्होंने इस बात को जो है मान के रखा है। तो आप इस बात से कितने सहमत हो सकते हैं? देखिए, पुराने टाइम में इतनी बड़ी लेडीज हो सकती थी या नहीं हो सकती? तो गांव वाले तो इस बात को पूर्ण रूप से कहते हैं कि हाँ, ये लेडीज थी। और जब यहाँ पर मेला लगा था, यहाँ पे एक मेला लगता था, मंदिर है अब भी, तो उस मेले के अंदर इनको मिले हुए बहुत दिन हो गए थे, दोनों लेडीज़ को और ये जो बच्चा था। तो जैसे ये दोनों मिले, यहाँ पे जितने भी आदमी थे, पत्थर थे, ढोलक वगैरह, वो सब कुछ जो है एक पत्थर के रूप में बिजली कड़की और पत्थर के रूप में बदल गए। तो ये बात आपके कितने दिमाग में सही या गलत है वो मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट में। तो ये देखिए, ये पूरा नज़ारा है, और इस पत्थर को ढोलक मानते हैं। ये पत्थर देखिए, ए इस पे जब वे बजा रहे थे तो इस पे छेद हो रही है, यहाँ ये छेद। अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे छेद हो रहा है। ये ढोलक था उस टाइम का, बहुत ही बड़ा ढोलक था, क्योंकि जब प्राचीन टाइम था तो उसमें सभी चीज़ें बड़ी होती थी। तलवार होती थी, उसको हम उठा नहीं सकते, और वे उससे युद्ध करते थे, चलाते थे उस तलवार को। तो ऊपर करके थोड़ा सा दिखा दूं, ये पत्थर है। और गांव की बात करूं तो ये गांव है चांदौली। आपको अगर यहां पे आना है, देखना है इस चीज़ को, तो आप देख सकते हैं, राजस्थान है अलवर ज़िले में। तो यहां का कुछ एरिया भी आपको दिखाता हूं, ये देखिए, पहाड़ इतने हैं कि आपका मन नहीं करेगा यहां से जाने के लिए घर को। तो एक बार इसके चारों ओर घुमाकर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा कुछ और जो भी सिस्टम है। ऊपर से देख लीजिए आराम से, ये देख लीजिए, ये सब पत्थर जो है, यहाँ पे कोई ढोलक था, ऐसा सब कुछ था यहाँ पे, ये देखिए। ये आप इसको देख सकते हैं, ये बीच में इसको जो है बच्चा। तो दोस्तों, इस पत्थर को आप देखिए, तो कैसा आपको अनुभव लग रहा है देखिए। तो ये हकीकत में एक इंसान पत्थर बना हुआ है। आगे की तरफ आपको मजाक बेशक लगे इस वीडियो में, आप ये सोचेंगे कि भाई वीडियो फेंक रहा है या कुछ गलत बता रहा है। देखिए, उस टाइम पे ना तो मैं था ना आप थे, कोई नहीं था, लेकिन जो भी हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको सही बातें बताता हूँ, कभी भी हमारी वीडियो फेक नहीं होती है। तो देखिए, ये गर्दन है, और दोनों साइड में देख रहे हैं जो शोल्डर, ये हाथ थे और ये कमर थी। जैसे आदमी झुका हुआ था, उसी का पत्थर बन चुका है। तो ये साइड में आप देख रहे, साग सूख टूट रहा है, यहाँ पे साग की खेती बहुत ज़्यादा है। तो ये एक मेरा दोस्त है रोहित, ये भी मेरे साथ आया है। तो रोहित बताएगा भाई, ये हकीकत है या गलत है? तो ये थोड़ा शर्माता है वीडियो बनाते समय, इसलिए इसकी वीडियो नहीं बनाते हैं, कहता है इसको दूर कर ले।
तो देखिए ये पत्थर है, तो ये हकीकत बात है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए बस, और लाइक ज़रूर कर दीजिए।